क्या आप भी एक साथ ज्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके काम की है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो आपसे एक KYC फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें अकाउंट वेरिफिकेशन से जुड़ी और कस्टमर की सभी जानकारी होती है। ऐसे में अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट्स और सभी एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल RBI बैंकों के साथ मिलकर इस व्यवस्था में बदलाव ला सकती है। क्या बदलाव होने वाला है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल RBI बैंक अकाउंटों की सिक्योरिटी को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है। RBI बैंकों के साथ मिलकर बैंकों के खाते की सुरक्षा को लेकर बदलाव कर सकता है। बैंक खातों की सिक्योरिटी को टाइट रखने के लिए RBI बैंकों के साथ मिलकर KYC नियमों को सख्त कर सकती है। इसके लिए बैंक अकाउंट होल्डर्स के वेरिफिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर लगाया जा सकता है। इसके लिए KYC स्टैंडर्ड्स को सख्त बनाया जा सकता है। KYC को लेकर हो रही अनदेखी के चलते RBI ये कदम उठा सकती है। सरकार ने वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है जो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में KYC नॉर्म्स को इंटरऑपरेबल सुनिश्चित करने पर गौर कर रहा है। फिनटेक कंपनियों की तरफ से KYC रूल्स की अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। रेगुलेटरी और KYC नियमों का पालन नहीं करने के चलते ही RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, पर बैंक इसे लेकर और रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए ये सब बदलाव किए जा रहे हैं। और RBI बैंक अकाउंट्स और अकाउंट होल्डर की पहचान के लिए वेरिफिकेशन लेयर्स में एक्स्ट्रा लेयर जोड़ सकता है। बैंक उन खाता धारकों के अकाउंट्स में KYC अपडेट कर सकती है जिसके एक से ज्यादा बैंक खाते एक फोन नंबर से जुड़े हैं। उन लोगों के बैंक खातों की KYC अपडेट की जा सकती है जिनके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट से खुले हुए एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं। कैसे बदलाव होगा ये भी अब जान लेते हैं। सो मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने वाले बैंक खाता धारक जिनका बैंक अकाउंट एक ही नंबर से लिंक है उन पर इसका असर होगा। उन्हें अपने KYC फॉर्म में एक अन्य नंबर दर्ज करना पड़ सकता है। वहीं जिनका जॉइंट अकाउंट है उन्हें भी अपना कोई दूसरा नंबर KYC फॉर्म में अपडेट करना होगा। यानी आने वाले दिनों में एक से ज्यादा अकाउंट्स रखने वाले खाता धारकों को ज्यादा वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। उनसे KYC के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया जा सकता है। RBI के इस कदम पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।